गलत के साथ कभी खड़े मत रहना, फिर चाहे वो कोई अपना प्यार करने वाला ही क्यों ना हो। कभी किसी के गलत में हाथ मत बटाना, क्योंकि जो तुम्हारे कर्म है उनका लेखा जोखा भी होगा। ध्यान रखना इस बात का। तुम्हारे अंदर जो ये क्रोध, जो ये बेचैनी आ गई है ना, वो सिर्फ इसलिए आ गई है क्योंकि तुम्हारे लाख कोशिश करने के बाद भी तुम उतना मेहनत नहीं कर पा रहे और वो हासिल नहीं कर पा रहे जो तुम करना चाहते थे, इसलिए ये सब हो रहा है। लेकिन पता है, अगर इतना क्रोध, इतना मन में अशांति रहेगी तो आगे भी कुछ हासिल करना मुश्किल होगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि तुम अब अपने मन को स्थिर करना शुरू करो। हर थोड़े थोड़े देर पर, बहुत कम समय के लिए ध्यान करना शुरू करो। अपने सांसों पर ध्यान देना शुरू करो। अपने मन को शांत रखकर वापस अपने काम में दिल लगाकर करना शुरू करो। देखना, तुम इस बार जीतोगे। और वैसे भी भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता आज मत करना, क्योंकि भविष्य संवारने के लिए मैं बैठा हूँ ना। तुम अपना आज संवारो, तुम अपने आज के कर्म करो, भविष्य मैं संभाल लूँगा। एक बात तुम जान लो कि कोई तुम्हारे बारे में दूसरों से क्या सही क्या गलत कहता है, इस बात से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन वास्तविकता में तुम जो व्यवहार करते हो वही सच्चाई, वही असलियत दर्शाता है। इसलिए तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यवहार पर ध्यान दो और देखना, जिनकी धारणा तुम्हें लेकर गलत है उनकी वो धारणा भी बदल जाएगी, उनके इरादे भी बदल जाएंगे, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम अपने व्यवहार का ध्यान हमेशा देना, फिर चाहे कोई दे या ना दे। खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो।